कर रहे हैं कई अपने पार्टी के विधायकों और पूर्व सांसद, क्या लगता है कुछ होगा इससे? नहीं, पता चल रहा है ना कि चुनाव आने वाला है। पिछले 4 वर्षों से नीतीश जी को याद नहीं था कि उनके पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, अब सब याद आएगा उनको। अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि याददाश्त तो चली गई थी, अब धीरे धीरे याददाश्त आने का प्रयास करेंगे वो। और आरजेडी सर ईडी के डायरेक्टर पर सवाल खड़े कर रही है केंद्र सरकार की थी मंशा के तहत। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कष्ट होना है, जो भ्रष्टाचार किए ही नहीं तो उनको क्या कष्ट होना है। भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां हैं उनको कष्ट होना ही है। ममता बनर्जी के भतीजे का नाम मेंशन किया ईडी ने चार्जशीट में, बंगाल में जो शिक्षक घोटाला हुआ। अब स्वाभाविक है, आप देख लीजिए कि बंगाल को लूटने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया, जो दोहन कम्युनिस्टों ने नहीं किया था उससे अधिक दोहन ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ये संकल्प को दोहराने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी संस्कृति, हमारा विरासत, हमारे जो इतिहास हैं इसको आगे बढ़ाना है। और देश और दुनिया में जिस तरह भारत का मान बढ़ा है, दूसरे देश भी अब सहयोग करने लगे, जो हमारे चीज़ें उनके देशों में पहुँचे उसको भी लौटाने का काम दूसरे देश करने लगे हैं। और साथ ही साथ इस देश में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए प्लांटेशन का काम, इसको और आगे बढ़ाने का काम के लिए आग्रह पूरे देशवासियों से किया है और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम किया। टीम जो विपक्षी दलों की गई है मणिपुर, आप देखने के लिए हालात कैसे हैं? देखिए, उन लोगों को सबसे पहले बिहार की यात्रा करनी चाहिए। बिहार में कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में बहन, हमारी एक बहन को, दलित बहन की के साथ अत्याचार किए गए। अररिया में एक पति के सामने एक बहन के साथ बलात्कार किए गए, इसके लिए कोई नहीं आता है। बंगाल में हमारी एक बहन जब चुनाव लड़ रही थी तो उसको नंगा करके पीटा गया, उसके लिए कोई नहीं आता है। तो विरोधी दल के नेताओं से जरूर आग्रह करेंगे कि आप यदि मणिपुर गए हैं तो बिहार और बंगाल भी आकर एक डेलीगेशन लोगों से मिलने का काम कीजिए। और पटना में तो 13 तारीख को जिस तरह लाठी चार्ज हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। हम ह्यूमन राइट्स में भी जा रहे हैं, महिला आयोग की टीम आई थी और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ टीम भेजे। नहीं, ये अठावले जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी से अब कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। आप देखिए, बिहार सरकार जब जब घोषणा पिछले 5 दिनों से कर रही है कि आज बारिश होने वाला, होता ही नहीं। अब तो इतने ये लोग, सारा टेक्नोलॉजी इनका फेल हो चुका, और जैसे ही बिहार सरकार कहती है बारिश होना है वैसे ही बारिश बंद हो जाती है। हम तो इंद्र भगवान से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जल्दी बारिश हो कि बिहार के किसान खुशहाल हो सके।